डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया स्कूल जहाँ स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन प्रदेश के तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है शुक्रवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग में कोरोना महामारी के चलते जो भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कार रुके हुए हैं उन्हीं के लिए फुल कमीशन की बैठक होनी है बैठक में कमीशन साक्षात्कार और भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव को लेकर कई फैसले कर सकता है प्रदेश के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फुल कमीशन की जो बैठक है उसमें यह तय होगा कि भविष्य के अंदर जो होने वाली परीक्षाएं और साक्षात्कार हैं उनके लिए अब क्या व्यवस्थाएं करनी है क्योंकि इस बैठक में परीक्षा व साक्षात्कार को लेकर माइक्रो प्लानिंग तैयार की जाएगी यानी कि इस 2020 का जो पूरा साल है इस पूरे पूरे साल का पूरा खाका जो है वो जो कोरोना कोरोना की वजह से थम गया था उसे फिर से कैसे रफ्तार पर लाया जाए इस पर कई फैसले फुल कमीशन जो आयोग का फुल कमीशन है वो उस पर कई फैसले कर सकता है आर में फिलहाल छः भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कार होने हैं इसके साथ ही तीन लंबित लिखित परीक्षाएँ भी हैं उनके ऊपर भी कमीशन को फैसला करना है बैठक में एस आई भर्ती परीक्षा 2016 पीआरओ भर्ती परीक्षा आरटीआई सुपरवाइजर और वाइस प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा लीगल ऑफिसर फूड सेफ्टी ऑफिसर सहित प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार को लेकर कई निर्णय फुल कमीशन को करने हैं और बैठक में इनके टाइम टेबल को लेकर भी कई जो तैयारियां हैं वो भी बैठक के अंदर की जाएगी और उसके बाद कई फैसले भी किए जाएंगे इसके साथ ही जो साक्षात्कार होंगे उसमें जो शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन और ठहराव संबंधित कई व्यवस्थाएं आरपीएससी को देखनी होती है और उसी उसको लेकर भी यहाँ पर कई बड़े फैसले किए सकते हैं क्योंकि कई आयोग के अंदर जो साक्षात्कार देने वाले लोग हैं जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदेश के बाहर के भी हैं दूसरे राज्यों के भी हैं और कोरोना का जो वक्त इस वक्त चल रहा है इस दौरान जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से नहीं हो पाए हैं इसीलिए उन व्यवस्थाओं के ऊपर भी बहुत बड़े फैसले यहाँ पर किए जा सकते हैं हमारे सूत्रों के मुताबिक आर पी की तर्ज पर परीक्षाओं को अमली पहनाना चाहती है और इस पर कमीशन की बैठक में चर्चा भी होगी इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से साक्षात्कार के बोर्ड को लेकर भी व्यवस्था संबंधित कुछ परिवर्तन प्रस्तावित हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बहुत महत्वपूर्ण होगी और इस संबंध में जो आयोग के अध्यक्ष दीपक उप्रेती उन्होंने आयोग सचिव आशीष गुप्ता को संबंधित जिला कलेक्टर से संवाद कर व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं फिलहाल आयोग क्या फैसला करेगा ये तो देर शाम तक स्पष्ट हो पाएगा लेकिन उसके बाद ये तय हो जाएगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो परीक्षाओं और साक्षात्कार के लिए क्या व्यवस्थाएं अभ्यर्थियों को देने वाला है